इन सारे दलित जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं, माइनॉरिटी है, वो एक होकर सारे देश में काम करेंगे तो आप बदलाव इस देश में जरूर ला सकते हैं, ये मैं कहूँ। दूसरी चीज, मैं और एक बात आपके सामने कहना चाहूंगा कि भाई डरो मत किसी चीज के लिए, गलत चीज के लिए डरो। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो डरो, अच्छा काम के लिए, देश के बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए अगर कुछ भी काम करना है तो आप करते रहना चाहिए, डरो मत। डरेंगे तो मरेंगे, ये सोचो। आप अगर डरते जाएंगे मरते जाएंगे, नहीं डरना चाहिए सबको। तो इसलिए ये बात राहुल गांधी जी भी कहे थे, डरो मत किसी चीज के लिए। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि बीजेपी आज वो कर रही है, ये कर रही, वो इसलिए कर रही, अपने विचारधारा को आज एजुकेशन में ला रही है, अपने विचारधारा को यूनिवर्सिटीज में ला रही है, अपने विचारधारा को हर जगह फैला रही है, यहां तक कि नहीं हर ऑफिस में आरएसएस के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, हर मिनिस्ट्री में आरएसएस के लोग बैठे हैं, तो उससे ज्यादा खतरा है। और तीसरी चीज मैं आपसे कहूंगा कि ये जो साजिश इस देश में चल रही है उसका मुकाबला करना जरूरी है। तो इसीलिए तो आप अपने कांग्रेस अध्यक्ष से आप ये ले सकते थे, क्या है चार्ज ले सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जमा कर इसलिए ले रहे हैं कि क्या उद्देश्य कांग्रेस का है, आगे चलते हम क्या करने वाले हैं, किस ढंग से चल रहा है, ये आप बताने के लिए आप किए हैं। इसीलिए तो आप कांग्रेस के लीडर्स को बुलाए, एक्स चीफ मिनिस्टर को बुलाए, कांग्रेस के सदस्य को बुलाए, सबको बुला के जब जहाज इतनी बड़ी संख्या में ले रहे, मैं समझता हूँ ये पहली बार माइनॉरिटी इतनी संख्या में आई। कल मैं देखा कि मोदी जी फिर सीबीआई, ईडी, इनको 2 साल का टर्म था ये ऑफिसरों को, अब वो 5 साल का बढ़ाने के लिए मोदी साहब ऑर्डिनेंस निकाले। अरे 14 दिन है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लाके चर्चा करके आप करना चाहिए, लेकिन मोदी जी 14 दिन पहले ही आज सीबीआई, ईडी के ऑफिसरों को 5 साल करना ये उन्होंने लाया। ये इसलिए लाया कि अपोजिशन को डराने के लिए, अपोजिशन लीडरों को डराने के लिए, क्योंकि ईडी तो डिपार्टमेंट ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, उन्होंने छीन लिया, अपने कब्जे में लिया। कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, वहां से छीन लिया, अपने पास छाने लिया। यानी जो जो चीजें जहां पर लोगों के मदद के होते हैं उन उसी लिए उनको डराने के लिए उन्होंने ये सब किया है और कर रहे हैं। और उसी लिए तो आज 5 साल उनको बढ़ाए। ये तो मैं कंडम करता हूं, इसको हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, वहां भी पूछेंगे, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही करते जा रहे। आज तक 83 ऑर्डिनेंसेस उन्होंने लाए हैं, ये दो हो गए तो
85 हो गए, उनके 7 साल के दरमियान 85 ऑर्डिनेंस लाए। कोई सरकार ऐसा नहीं की, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं किए, लेकिन ये एक ही प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो हमेशा ऐसी चाल पे चलता है। तो भाइयों, मैं और एक कहूंगा कि मोदी की आदत है, मोदी की क्या आदत है कि सबको दबाना। तो मैं एक मोदी जी को ये कहना चाहता हूं, कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बार बार उगते रहेंगे, हम बीज हैं। अरे तुम हमको मिट्टी में दबाते रहेंगे तो भी हम उगते रहेंगे, आप निकाल नहीं सकते, आप कितना भी दबाओ, लेकिन मिट्टी में दबाने के बाद बीज उठता है, खत्म नहीं होता। तो इसीलिए मोदी साहब, बीजेपी वालों, आरएसएस के लोगों, आप ये खुशी मत मनाओ, आपके दिन जल्दी खत्म होंगे। तो इसीलिए मैं आपसे यही विनंती करूंगा कि हम सबको मिलके चलना है और काम करना है। इसीलिए मैं जब्बार साहब को ये कहूंगा कि वो सबको लेके चले। नो ग्रुप बाजी, मैं देख रहा हूं, यहाँ आने के पहले भी देखा, आने के बाद भी देखा, अगर ग्रुप बाजी करेंगे पहले तुम मिट जाएंगे, दूसरों को तो सेवा करने का अलग ही है। सबको लेके चलो, सबका सबके साथ रखो, इसीलिए क्योंकि बहुत बड़े शायर ने एक बात कही है, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान में गए, लेकिन उन्होंने बात कही और इसका जिक्र पार्लियामेंट में मोदी ने भी कहा। तो ये है, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, यूनानी वो मिस वो रोमा सब मिट गए जहां से, जब तक मगर अब बाकी नाम और निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे, दुश्मन हमारा दौरे जमाना। तो ये हिंदुस्तान की तहजीब है, ये हिंदुस्तान की बात है। तो हिंदुस्तान मिटने वाला नहीं है, यहाँ के लोग टूटने वाले नहीं है, हम एक रहेंगे, एक के साथ काम करते रहेंगे, इस देश को बचाना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना हम सब का फर्ज है, उसके लिए हम सब लड़ते रहेंगे।